Hey guys, welcome back to my channel JK Makeover. तो thumbnail देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन से आई मेकअप ट्यूटोरियल देखेंगे। उसके लिए पहले मैंने ये रेड शेड पिक करके पहले मैं क्रीज लाइन के करीब करीब अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं ये येलो शेड लूंगी और येलो शेड को मैं क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करूंगी रेड आई शेडो के साथ। येलो आई शेडो को मार्ज भी करूंगी जिससे एक ऑम्ब्रे इफेक्ट आए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों कलर मिक्स होकर कितना सुंदर ऑरेंज शेड क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्रीज को थोड़ा ज़्यादा डिफाइन कर रही हूँ रेड शेड से और दोनों कलर को मैं यहाँ पर अच्छे से मार्ज करने के बाद लोअर लैश लाइन पर पहले मैंने वही रेड शेड को ब्लेंड कर लिया, उसके बाद में येलो शेड को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अगर आपको ये ग्रीन कट क्रीज आई मेकअप ट्यूटोरियल देखना है तो आई बटन पर मैंने इसके लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लेना। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कट क्रीज ड्रॉ कर लिया है और कट क्रीज को मैं पाउडर से सेट करने के बाद आउटर कॉर्नर पे रेड शेड के साथ स्मजिंग कर रही हूँ। अब मैंने येलो शेड को कट क्रीज के ऊपर अच्छे से पेस्ट करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मैं रेड कलर के साथ येलो कलर को ब्लेंड भी करूंगी जिससे कि एक ब्लेंडेड लुक दिखे। उसके बाद मैं एक व्हाइट आईलाइनर लेके क्रीज लाइन पे एक लाइन क्रिएट करूंगी जिससे ये दिखने में सुंदर लगे। तो इसके बाद मैं करूंगी आईलाइनर तो आपको पता ही, मैंने पहले आउटर कॉर्नर पे लाइन क्रिएट किया, उसके बाद आउटर कॉर्नर से मिडिल ऑफ द आईलिड पे कनेक्ट किया और बीच वाले पोर्शन को मैं फिल कर दिया और इनर कॉर्नर को एक्सटेंड करते हुए इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक पूरे लाइन को मार्च कर दिया। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक लैश अप्लाई कर रही हूँ और इसके बाद ही हमारा आई मेकअप जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड और सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल पे ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग आई मेकअप ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है, आप अगर चाहते हो तो प्लीज़ चेक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।